क्वेश्चन है वो है शरीर, नंबर 9 में शरीर, तो शरीर SERIN, इसको शरीर ही बोलेंगे। अब ए सॉलिड, बी मीट, सी डेलिकेट, डी का, ये सीक्वेंस में ऑप्शन थे, इन सारे ऑप्शंस में से पिकआउट करना है। तो चलिए कौन सा सिलेक्ट किया और क्यों, इसके लिए हम लोग एक्सप्लेनेशन को समझते हैं पहले। शरीर यानी अविक्षुब्ध, ठीक है, जैसे किसी चीज का मलाल नहीं रह गया, कोई कसक नहीं रह गया कि अरे काश ये होता, काश ये किए होते, एक कसक सी चुभी की चुभी नहीं रह गई, जिंदगी में कोई कमी नहीं रह गई, मलाल नहीं रहा, तो हम क्या इस पाए हुए कौन सी स्थिति में है, शरीर की स्थिति में, अविक्षुब्ध अविक्षुब्ध। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, यही सॉलेम विधिवत, हर एक वर्षिप को पूजा को विधिवत ढंग से करना चाहिए या प्रोग्राम को। बी मीक विनीत, सी डेलिकेट नाजुक, डी काम शांत, इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। तो जब आपको किसी भी चीज की चाहत नहीं रहेगी, आपको टेंशन नहीं है, तो उस परिस्थिति में आप पाते हैं कि आप शरीर की अवस्था में हैं, अर्थात काम की अवस्था में। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो उसके अंतर्गत देखते हैं, वर्ड लिए गए हैं ग्लू सम। तो ग्लू सम क्वेश्चन 10 नंबर में देखेंगे, पर्यायवाची चुनने हैं हमें ग्लू सम के। तो इसके लिए जो विकल्प दिए गए हैं वो विकल्प इस प्रकार से है, क्रमशः ए में हेटफल, याद रखिएगा कि हेटफल होता है, लेकिन FUL देखकर बहुत सारे बच्चे फुल बोलते हैं, बहुत सारे टीचर भी फुल बोलते हैं, जैसे ब्यूटीफुल होता नहीं है फुल। अगर उन्हें फानिम अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसे सरल शब्दों में कहें तो साउंड कहते हैं, उसकी जानकारी होगी, वर्ण की जानकारी होगी, ध्वनि की जानकारी होगी, तो वो कभी भी उन्हें फोनेटिक्स का ज्ञान होगा या फोनोलॉजी का ज्ञान होगा, तो कभी भी वो फूल नहीं बोलेंगे, फल ही बोलेंगे। बहरहाल आगे चलते हैं, हेडफॉल ए, हेडफॉल बी पेनफॉल, सी ट्रैजिक, डी फ्राइटफॉल। अब इसके राइट आंसर को देखते हैं, नंबर 10 में ग्रूसम, ग्रूसम का अर्थ होता है बीभत्स अर्थात घृणाजनक, ऐसा कार्य जिस कार्य को अमानवीय कहें, जिसमें एकदम डिस्गस्टिंग सिचुएशन हो। आप हमारे समाज में ले लीजिए तो जो कन्नीवाल लोग हैं, आदमखोर लोग हैं, उनके कार्य बीभत्स कहे जाते हैं। और इसी प्रकार आप थोड़ा सा आगे चलते हैं तो रेप इन जैसे कार्य को भी हम ग्रूसम कह सकते हैं। अब इसके लिए जो ऑप्शन आए हैं, ए में हेटफल है नफरत युक्त, तो ये नहीं होगा, हालांकि सभी लोग इससे नफरत कर सकते हैं, करते ही हैं, जो बुरे काम करते हैं और इस तरह से विभाग से उनसे लोग नफरत करते हैं। पेनफल दर्दनाक, दर्दनाक दर्द युक्त, जो विभत्स में जिसके साथ ये होता है उस व्यक्ति को पेन का एहसास होता है, वो भी एक्सट्रीम लेवल का अंडररेटेड। अब ट्रैजिक की बात करते हैं तो ट्रैजिक का अर्थ होता है दुखांत, दुखांत इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब आप अच्छे काम कर रहे हैं और ऑल ऑफ अ सडन विदाउट एनी रीजन कोई बुरी घटना आपके साथ घट जाए, तो
आपकी अच्छाइयों के बावजूद, तो उससे करते हैं ट्रेजिक शुरुआत। प्रेजेंट्रीज हुए, पायस हुए, बहुत ही अच्छे ढंग से हुए, और बाद में बुरा हो गया। हम दो एग्जाम्पल इसके लिए दे सकते हैं, एक तेरे माँ तेरे नाम मूवी की बात कर सकते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल जो इससे भी बहुत लाख गुना बढ़िया है वो है राम के राज्याभिषेक की स्थिति। वो राजा बनने वाले थे लेकिन वनवासी बनना, वनवासी बनकर वनवन भट गए, ट्रेजिक ही तो है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, डी में फ्राइडफल, घिना होना। हाँ, फ्राइडफल घिना होना। अगर आप क्राइम मर्डर थ्रिलर मूवी के फैन हैं तो आप इसको समझ सकते हैं कि एक एक करके हर एक व्यक्ति को जो साइको किलर है वो अपना शिकार करता है, तो बहुत बुरी तरह से मारता है, तो वो कैसा सिचुएशन है, घिना होना, डरावना या भयंकर सिचुएशन है। अब कोई तो रिवेंज लेता है, जैसे इच्छाधारी सांप पर जो मूवी बनती है उसमें तो रिवेंज लिए जाते हैं नॉर्मली। तो इसके जो आंसर होंगे ग्रुप शैम के वो होंगे फ्राइटफल। तो आप लोगों ने यहां पे देखा कि किस प्रकार से आपके अशोक सर ने इन सब का सॉल्यूशन दिया है। चलिए, अगर इन स्पाइट ऑफ इट आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग है तो उन क्वेश्चन को शेयर करना मत भूलिएगा। अशोकानंदा द लैंग्वेज फैसिलिटेटर एंड फाउंडर के व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी उसे शेयर करें तो ज्यादा बेहतर है। व्हाट्सएप नंबर है 09955077321। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेज के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रो एंड पीसी रेन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और स्मार्ट वर्क जो होते हैं ना वो बैलेंस्ड वर्क होते हैं एक्चुअली। ये उसमें ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज सुपरस्टिशियस हो करके या रिडंडेंटली या शॉर्टकट में माने जाते हैं, नहीं, वो एक्चुअली टेक्निकली काफी साउंड होते हैं, तो स्टेप को माइंड में ही कैलकुलेट करके आगे बढ़ जाते हैं। I hope you have enjoyed this video. We shall meet in the next video. Till then, bye bye. Enjoy today.